जब आप कल गए थे भोजन की व्यवस्थाओं के लिए तो क्या हुआ आपके साथ? ऐसा है, कल सुबह मॉर्निंग में हमारी पार्टी की नेता है भारत सिंह जिंदल जी, उनका सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया, बोले कि कुछ गरीब लोगों के लिए हमें कुछ खाने के पैकेट चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया ठीक है आप 12 बजे आ जाओ, हमें व्यवस्था करा देंगे। तो हम लोग 12 बजे वहाँ पहुँचे चौकी पर, हमने बताया उनका 50 पैकेट से कुछ काम नहीं मिलता है, हमें गरीब ज़्यादा पैकेट चाहिए, 73 73 लोग हैं की लिस्ट है हमारे पास। तो वहाँ सुरिंदर सिंह दरोगा जी थे, बढ़िया इंसान है, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप खाने चले जाइए, उन्होंने फ़ोन भी कर दिया। तो सौरभ करके हैं वहाँ पे, वहाँ हम लोग पहुँचे, मैं और कुंतल जी हम दोनों ही पहुँचे। वहाँ जैसे हम अंदर गए लिस्ट लेकर, तो वहाँ एक आशुतोष करके एक दरोगा जी, उन्होंने जैसे ही मुझे वहाँ देखा तो पता नहीं क्या भड़क गए वो, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और बोला बाहर निकलो यहाँ से। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ये बताइए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और कोरोना टीम का सदस्य भी हूँ, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी हुआ बाहर निकलिए। तो मुझे उनका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लगा, मैंने उसी समय मैंने इंस्पेक्टर सदर अमित सर को फोन लगाया, उनको बता दिया मैंने सारी घटना की जानकारी दे दी। उसके बाद ही फिर मैं घर पे आया, घर पे आके मैंने एसपीसीडी साहब को भी फ़ोन किया, उनको भी मैंने घटना की जानकारी सारी दे दी, पर अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से वो लोग बदनाम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रही है पुलिस हमारी, थाना सदर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, कमलेश्वर भी अच्छा कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे दरोगा हैं जो उनकी मानसिकता थोड़ी ठीक नहीं है, उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए उन लोगों को। और मैं तो यही चाहूँगा, ऐसी शिक्षा से भी कहूँगा मैं ऐसे लोगों को खिलाफ सकते हैं, जैसा आप कह रहे थे कुछ जातिवाद के लिए। हाँ, जातिवाद उनके अंदर भरा पड़ा है और इस मुझे लग रहा है कि साथ इस कारण भी उन्होंने साथ मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कर ली है। मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आपसे कोई जाति सूचक वगैरह बात की है, जैसे आप चौड़े? हाँ, उन्होंने इसी मानसिकता से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। कुंतल जी मेरे साथ थे, दोनों साथ ही थे और भी लोग बैठे हुए थे वहाँ, स्टाफ के पूरा स्टाफ थाना सदर का था, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, केवल वो थे आशुतोष। और पता नहीं क्या बात है उनसे, क्या दुश्मनी है मेरी, मुझे नहीं लगता है क्या मुझे किसी से दुश्मनी हो सकती है, मैं तो हमेशा पुलिस के साथ रहता हूँ, उनका काम करता हूँ, कभी भी कोई भी मदद मेरी पड़ी है मैं तत्काल समय पर तैयार रहता हूँ उनकी। आप? मैं साथ में था, तो हम अपने लिस्ट लेकर के करीब हमारे पास 73 परिवार की लिस्ट थी, ठीक है, और हम अभी तक चौकी से करीब 50 लोगों का मतलब 50 पैकेट खाना ले रहे थे। जी सर। तो हमारे पास और भी काफ़ी गरीब लोग आए। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा कि मैं खाने की आवश्यकता है घर में, मतलब हमने चाय पानी तक की व्यवस्था करा रहे, कुछ लोग पैसे भी रिक्शा ऑटो वाले। तो मैंने इनसे कहा कि मतलब जैसे भाई दोनों चलते हैं, तो पहले दरोगा जी के पास गए चौकी पर, चौकी पर उन्होंने लिख करके मैं दे दिया, फिर हमने साइन कर दिया कि आप जाइए वहाँ से खाना ले लीजिए। हम खाना लेने गए थे और उस रूम में प्रवेश करें, तब तक उन्होंने मतलब हमारे ऊपर झपट पड़े उल्टा, वो बोला आप तुरंत जाइए, जैसे कहा मैं इंसान नहीं है सर, वही इंसान है। और एक व्यक्ति की वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा डिपार्टमेंट खराब है, एक व्यक्ति खराब है, अदरवाइज हमारे साथ सबने अच्छा व्यवहार किया। और उन्होंने तो ये करा कि तुरंत आप बाहर निकल के चले जाइए, ऐसा व्यवहार पुलिस में मैं समझता हूँ पुलिस एक मतलब ऐसा व्यवहारिक प्रशासन हमें दे रहा है, लेकिन उन्होंने उनका कहीं भी व्यवहार अच्छा नहीं था। जब मैं भी भारतीय जनता पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हूँ, और हमारा ये कहीं भी ऐसा अगर वो बता दे हमें साबित करते कि हम नेतागिरी कर रहे थे, हम सिर्फ एक सामाजिक उसके आधार पर जा रहे थे कि हम अपने जो गरीब लोग हैं उनको खाने की समस्या पूर्ण हो जाए। अभी भी मैं वहाँ गया हूँ और वो ऐसा ही करते हैं, कभी मर्जी आप लौटा देते हैं, कभी आप ये चीज लाइए, वो परेशान हमें ज़्यादा कर रहे हैं और इससे जनता भी परेशान हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।